बहराइच वो गोरखपुर रेल लाइन का होगा विद्युतीकरण और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इन दोनों रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य कब से शुरू होगा और कब इसका ट्रायल के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट इसी रेलखंड पर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे गोरखपुर का इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का सारा रेलवे न्यूज आपको यहां पर मिलता रहे। मीटर गेज से ब्रॉड गेज में गोंडा से बहराइच व गोंडा से बलरामपुर होते हुए गोरखपुर तक परिवर्तित हो गया है, लेकिन विद्युतीकरण न होने से इन लाइनों पर अभी डीजल इंजन के सहारे ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेल विभाग ने इन दोनों रूटों पर विद्युतीकरण कराने के लिए 327 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है और विद्युतीकरण के लिए 262 करोड़ रुपए जारी भी किए गए हैं। 2021 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और रेलवे यार्ड गोंडा जून 2021 तक गोरखपुर, लखनऊ व अन्य महानगरों के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर आधुनिक स्वरूप तैयार हो जाएगा। गोंडा से गोरखपुर वाया बलरामपुर 262 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य के लिए 265 करोड़ की लागत निर्धारण किया गया है। इसी तरह 60 किलोमीटर गोंडा से बहराइच रेलखंड एवं प्रखंड की बात करें तो यहां पर विद्युतीकरण कार्य किया जाना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस रूट पर विद्युतीकरण हो जाने से इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे ट्रेनें चलेंगी तो फिर ईंधन की खपत भी कम होगी और समय की बचत भी होगी, जिससे रेल यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इस रूट पर आखिर कब से होने जा रहा इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रायल और अन्य जानकारी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको इसके साथ ही अन्य जानकारी कौन से रेलखंड का चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उस रेलखंड का लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक जल्द से जल्द ला सकें।